अगर इस तरह से पिज्जा बनाएंगे तो बाहर से खाना भूल जाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी और चीज़ी पिज्ज़ा की रेसिपी, जो कि बिना ओवन के बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कटे हुए टमाटर, कटा हुआ शिमला मिर्च, थोड़े से पनीर के क्यूब्स, एक कटा हुआ प्याज और पिज़्ज़ा सॉस। ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर पर ही प्रिपेयर किया है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बॉल और मैं इसमें ऐड कर लूँगी एक टेबल स्पून मेयोनीज, लगभग 1.5 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और हल्का सा नमक। सभी स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी कटे हुए पनीर के टुकड़े और उसको अच्छे से मसाले से कोट कर लूँगी। इसे लगभग 10 मिनट के लिए ढककर रख दें और उसके बाद इसको पिज़्ज़ा की टॉपिंग पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ले लिया है पिज़्ज़ा बेस। मैंने यहाँ पर रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस का यूज़ किया है। अगर आप पिज़्ज़ा बेस घर पर ही बनाना चाहते हैं, उसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बेस पर मैं सबसे पहले बटर को स्प्रेड कर लूँगी। बटर को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब इस पर स्प्रेड कर लूँगी मैं पिज़्ज़ा सॉस को। पिज़्ज़ा सॉस को इवनली स्प्रेड करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 1.5 चम्मच चीज़ ड्रेसिंग, आप चाहें तो मेयोनीज का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे टॉप कर लूँगी मोज़रेला चीज़ के साथ। अब मैं इस पे ऐड कर दूँगी सब्जियाँ। मैंने यहाँ पर टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जी ऐड या स्किप कर सकते हैं। सब्जियों को ऐड करने के बाद हमने जो पनीर को पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज के साथ कोट करके रखा था, उसको भी ऐड कर देंगे। दोबारा से इस पर मोज़रेला चीज़ फैला लेंगे और उसके बाद इसको बेक कर लेंगे। पिज़्ज़ा को हम पैन में बेक करने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उस पर मैं एक जाली का स्टैंड रख दूँगी। इसे ढककर हमें लगभग 2 मिनट के लिए प्री हीट होने देना है। अब हम इसमें पिज़्ज़ा को रख देंगे और लगभग 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। लगभग 3 से 4 मिनट के बाद चीज़ हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। लगभग 10 मिनट के बाद पिज़्ज़ा हमारा परफेक्टली बेक्ड हो चुका है, चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसके नीचे की लेयर पर एक अच्छा सा क्रस्ट भी आ गया है। अब इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और पिज़्ज़ा को निकाल लेंगे सर्विंग के लिए। सर्विंग प्लेट में पिज़्ज़ा को निकालने के बाद हम इस पे चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो स्प्रिंकल कर लेंगे। अब हमारा पिज़्ज़ा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो चलिए सबसे पहले इसके स्लाइस कट कर लेते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा को ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 160 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 8 से 10 मिनट के लिए बेक करें। आप भी इस पिज़्ज़ा की रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।